हेलो एवरीवन। हम लोग लास्ट क्लास में टोटल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, जहाँ पे टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट देखे थे। उसी हिसाब प्रकार से यहाँ पे हम लोग एवरेज कॉस्ट पढ़ने जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, हम लोग टोटल का कॉन्सेप्ट से एवरेज पढ़ेंगे, मीन्स टोटल फिक्स कॉस्ट से एवरेज फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट से एवरेज कॉस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं हमारे लेक्चर में। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ओके। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, सिंपल सी बात है, ये किससे आएगा, इसका टोटल कॉन्सेप्ट से। एवरेज जो भी एवरेज है उसका, बस उससे रिलेटेड जो टोटल कॉन्सेप्ट है, टोटल वाला चीज है उससे आएगा। जैसे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है तो हमको क्या जरूरत पड़ेगा, ध्यान दीजिए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ओके। क्या है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, मतलब पर यूनिट ऑफ आउटपुट करने में, पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन करने में आपको जितना भी वेरिएबल कॉस्ट पे, वेरिएबल फैक्टर्स पे पेमेंट करना पड़ रहा है, जैसे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर या इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये सारा चीज जो है इस पे जो आप पेमेंट कर रहे हैं पर यूनिट आउटपुट पे, वो पर यूनिट आउटपुट का कॉस्ट आपका क्या कहलाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय द टोटल आउटपुट, जितना आपका वेरिएबल कॉस्ट खर्च हुआ और उसके टोटल आउटपुट अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या जाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जस्ट फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आया है 500 रुपीज, है ना। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आया है 500 रुपीज, फिर क्या करेंगे हम लोग, आउट ये 500 रुपीज किस कितना यूनिट प्रोडक्शन करने में आया है, 10 यूनिट्स, मतलब 10 यूनिट प्रोडक्शन ही कर पाए हम लोग इतना लगा के, इतना वेरिएबल कॉस्ट में लगा के, मीन्स रॉ मटेरियल वेजेस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जितना भी हम लोग वेरिएबल कॉस्ट करते हैं उसमें इनपुट लगा के, इतना हमारा आउटपुट कितना आया, 10 यूनिट। तो यहाँ पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, जिसे हम लोग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, कैसे आएगा, इस 500 में टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो हमको दिख रहा है उससे टोटल यूनिट जितना है उसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हमारा 50 रुपया, मतलब एक यूनिट प्रोडक्शन करने में हमको एवरेज कितना खर्च आ रहा था, 50 रुपया। कौन सा खर्च, वेरिएबल कॉस्ट वाला खर्च, बस, है ना। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। फॉर्मूला क्या है, यही फॉर्मूला है टीवीसी बाय आउटपुट, है ना, मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, टोटल जितना हुआ डिवाइडेड बाय आउटपुट। अब दूसरा फॉर्मूला ये भी हो सकता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट माइनस एवरेज फिक्स कॉस्ट। इसका मतलब क्या है, जो आप क्या पढ़ेंगे कि एवरेज टोटल कॉस्ट वो किसके बराबर है, एवरेज फिक्स कॉस्ट के और एवरेज, है ना, एवरेज फिक्स कॉस्ट के और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर है। तो इसी इक्वेशन से हम लोग क्या डिराइव कर सकते हैं, ए बी सी इज इक्वल टू ए टी सी माइनस ए एफ सी। ओके, हम लोग एक छोटा सा शेड्यूल लेके देखते हैं कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट किस प्रकार से बिहेवियर है इसका। यहाँ पर देखिएगा, आपको टेबल दिख रहा है, एक कॉलम में आउटपुट यूनिट्स में दिखाया गया है, उसके बगल में है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जो हम लोग लास्ट एग्जाम्पल लिए है ना उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या था, देखिए उसी को लिए हैं, 0 से लेकर 180 है ना, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है हम लोग कैलकुलेट करेंगे किस प्रकार से। देखिए आउटपुट यहाँ पे 0 है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगा, 0 ही होगा, क्यों, हम लोग जानते हैं ना, जब आउटपुट ही नहीं हो रहा तो वेरिएबल कॉस्ट में कोई चार्जेस नहीं लगेगा, तो एवरेज निकालने का कोई चारा ही नहीं है, क्यों, क्योंकि 0 से हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, टीवीसी बाय आउटपुट मतलब 0 डिवाइडेड बाय 0 नहीं करते हैं, ये हमारे मैथमेटिक्स में नहीं होता है। तो यहाँ पर डैश होगा, मतलब कोई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है जब आप प्रोडक्शन नहीं करते हैं, तो ना ये सारा छोटा छोटा चीज याद रखिएगा, आपको काम आएगा आगे। आउटपुट अब होना शुरू हुआ, प्रोडक्शन होना शुरू हुआ, आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट 40 दिख रहा है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गया, 40 डिवाइडेड बाय 1, मीन्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट इस जगह अभी कितना टोटल हुआ, आउटपुट एक ही आउटपुट हुआ है, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना खर्च हुआ आपका, 40 40 बाय 1 40, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हम लोग, जब 4 यूनिट्स ऑफ आउटपुट है तो हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना लगा था, 120 यूनिट्स, तो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गया, 120 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 30। फिर आउटपुट लास्ट में क्या है, 5 यूनिट से टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 180, तो 180 बाय 5 क्या हो जाएगा, 36। इस ट्रेंड को समझने का प्रयास करते हैं हम लोग, यहाँ पे किस टाइप का ट्रेंड बनने का कोशिश किया है, देखिएगा यहाँ पे है आपका, फर्स्ट में तो नहीं है, जब प्रोडक्शन नहीं कर रहे तो कोई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नहीं आएगा,
जब प्रोडक्शन करना शुरू किए तो 40, फिर डिक्रीज हुआ है ना, देखिए डिक्रीज हुआ 30 तक, फिर डिक्रीज हुआ 26.6, फिर इंक्रीज हुआ 30 तक, फिर 36 तक आया है ना। तो ये क्या हो रहा है, एक बार डाउन होते जा रहा है, फिर कांस्टेंट थोड़ा सा रुक रहा है, फिर आप ये और बढ़ रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने लग रहा है। ऐसा क्यों होता है, मीन्स इसका जो बिहेवियर है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर है ऐसा क्यों होता है, ये हम लोग अभी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग इसका कर्व देखते हैं, इसको आप खुद से ड्रॉ करने का कोशिश कीजिएगा। मीन्स आउटपुट को यहाँ पे जो लेक्चर है पॉज कीजिएगा, आउटपुट को एक्स एक्सिस में लीजिएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 40, 30, 26.6, 30, 36 इसको वाई एक्सिस में लीजिएगा और इसको आप खुद से ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा और देखिएगा आपका शेप, आपका जो कर्व है वो किस रूप में आता है। तो आपको पक्का इस प्रकार से आएगा, एक यू शेप कर्व है ना, यहाँ पे आपको एक यू शेप कर्व दिख रहा होगा, ठीक है। ये यू शेप का कर्व है, यहाँ पे देखिए इनिशियली 40 आया, 40 के बाद क्या हुआ, फिर डिक्रीज होना शुरू हुआ है ना, 30, हाँ 30 में आया, फिर 26.6, थोड़ा सा कॉन्स्टेंट रहने के बाद फिर से इंक्रीज होना शुरू हुआ। अब ये कर्व इस प्रकार से, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इस प्रकार से बिहेव क्यों करता है, ये हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। मीन्स क्या होता है, शुरुआत में देखिए क्या है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट सबसे कम कब आया, इस जगह पे आया है ना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इस जगह पे आया। मींस कितने यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में, 3 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन जब कर रहे हैं, आउटपुट जब 3 यूनिट्स हो रहा है आपका फर्म से, बिजनेस से, इंडस्ट्री से, तो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट सबसे मिनिमम है। हम लोग किसी भी बिजनेस में या किसी भी एंटिटी में, कॉरपोरेट में, हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा कॉस्ट सबसे कम आए, कॉस्ट जहाँ कम आएगा हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सबसे मिनिमम कॉस्ट कहाँ पे आ रहा है, जब आप 3 यूनिट्स ऑफ आउटपुट करते हैं। तो क्या दर्शाता है कि इनिशियल स्टेज में जब आप प्रोडक्शन शुरू किए हैं और प्रोडक्शन करना चालू किए, आगे बढ़ रहा है प्रोडक्शन, तो आपका कॉस्ट क्या होता है, क्या होता है, डिक्रीज होना शुरू होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज होना शुरू होता है, जिसका नाम क्या है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, ये चीज याद रखिएगा है ना। लेकिन हमारा कॉस्ट क्या है, डिक्रीज हो रहा है, कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है, खर्च घट रहा है, सिंपल बात है हमारा अर्निंग क्या होगा, बढ़ेगा, इसलिए इसका नाम क्या है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, रिटर्न अब हमारा इंक्रीज होने लगेगा, मींस आउटपुट ज्यादा हो रहा है, कॉस्ट कम पड़ रहा है, फिर क्या होगा, एक लेवल में आप मिनिमम आ गया, शुरुआत में धीरे धीरे घटते घटते मिनिमम आ गया 3 यूनिट ऑफ आउटपुट, ओके। फिर क्या होगा, यहाँ पे फिर क्या होगा, ये ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हुआ, ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हुआ, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पे अप की ओर जाने लगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक टाइम पीरियड के बाद आप जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं, हाँ, जो भी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जैसे लेबर हो गया, रॉ मटेरियल हुआ, वो जो यूज कर रहे हैं वो आपके फर्म के लिए, आपके इंडस्ट्री के लिए क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग इफिशियंट नहीं होगा, ओके, इफिशियंट नहीं होगा, और जब इफिशियंट नहीं होगा तो प्रोडक्शन करके फायदा नहीं है, क्योंकि क्या होगा, यहीं पे आप उसका मैक्सिमम यूज कर चुके हैं, किसका, आपका जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, 3 यूनिट्स ऑफ आउटपुट पे आप 100% इफिशियंसी से काम कर रहे हैं, तब जब इससे भी ज्यादा 110% 120% किसी से काम करिएगा, किसी भी फैक्टर प्रोडक्शन से, तो क्या होगा, आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आना शुरू होगा, क्योंकि कोई भी चीज का एक लिमिट 100% ही होता है, 100% से ज्यादा काम कीजिएगा तो वो खराबी दिखाना शुरू होगा, जब 100% से ज्यादा काम करने लगेगा तो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि बाकी कॉस्ट लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप रॉ मटेरियल ज्यादा लगा रहे हैं या वेजेस, लेबर जितना है उससे ज्यादा प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा कि कोई लेबर एब्सेंट हो जाएगा या फिर किसी लेबर को प्रॉब्लम हो सकता है, ज्यादा से जरूरत से ज्यादा काम कराने पर यह प्रॉब्लम होता है कि एक टाइम पीरियड के बाद आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर क्या करेंगे, एवरेज वेरिएबल के बाद एवरेज फिक्स कॉस्ट देखेंगे है ना। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट में जो हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट है उसको लेके हम लोग एवरेज फिक्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। एवरेज फिक्स कॉस्ट कैन बी ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग टोटल फिक्स कॉस्ट बाय द क्वांटिटी आउटपुट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एवरेज फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स टोटल फिक्स कॉस्ट जितना रहेगा उससे हम लोग क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को जब
है ना, जब क्वांटिटी आउटपुट है उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एवरेज फिक्स कॉस्ट तो हर एक आउटपुट पे सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि फिक्स कॉस्ट है। टोटल फिक्स कॉस्ट हर एक आउटपुट पे सेम रहेगा, लेकिन एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगा, डिक्लाइन होना शुरू होता है, ध्यान दीजिएगा, है ना, ये हमेशा डिक्लाइन होना शुरू होगा, कभी भी ऊपर की ओर नहीं उठेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फिक्स कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो जितना आप प्रोडक्शन कीजिए फिक्स कॉस्ट घटना शुरू होते जाएगा। हाँ, जहां लगे कि अब फिक्स कॉस्ट ज्यादा बढ़ रहा तो आपको क्या करो, फर्म सोचना पड़ेगा डिसीजन लेने के लिए, फर्म को चलाना है कि शट डाउन करना है, ये चीज के लिए। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है हमारा, एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट बाय क्वांटिटी। हम लोग लास्ट लेक्चर में याद रखिए, टोटल फिक्स कॉस्ट को हम लोग कॉन्स्टेंट रखे थे 200 में। अब 200 यूनिट ऑफ यूनिट 200 रुपीज आपका टोटल फिक्स कॉस्ट है, और चाहे आप 1 रुपया 1 यूनिट आउटपुट कीजिए या फिर आप 2 यूनिट आउटपुट कीजिए, तो आपका टोटल फिक्स कॉस्ट तो उतना ही रहेगा, टोटल फिक्स कॉस्ट उतना ही रहेगा। हमारा जो एफसी हम लोग निकालेंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट, वो घटते जाएगा। देखिए पहले कितना आएगा, 200 आएगा, फिर 100 आएगा, फिर 66.67, इस प्रकार से ना घटते जाएगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। टेबल के रूप से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए, पहले जब आउटपुट 0 है, यहाँ 0 से 5 तक लिया गया है ना आउटपुट, टोटल फिक्स कॉस्ट वही 200 रखे हैं जो हम लोग एग्जाम्पल लिए थे लास्ट लेक्चर में। एवरेज वेरिएबल फिक्स कॉस्ट कैसे आएगा, टोटल से हम लोग करते जाएंगे तो एवरेज फिक्स कॉस्ट आते जाएगा, है ना। देखो पहले अगर हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं 200 बाय 0 तो ये तो होता नहीं है, कभी भी हम लोग मैथमेटिक्स में नहीं कर पाते, इसलिए इन्फिनिटी है पहला, मतलब बिना आउटपुट का भी आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट इन्फिनिटी है। क्यों बताइए तो, क्योंकि आपको टोटल फिक्स कॉस्ट पता है, आउटपुट नहीं है, तो उसमें आउटपुट तो पता ही नहीं है, 0 है, इट मीन्स वो एवरेज कर ही नहीं पाएंगे, इन्फिनिटी जल तक चला जाएगा, ठीक है, अनंत चला जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको तो आउटपुट पता ही नहीं है, 0 है, तो किससे डिवाइड करेंगे, इसीलिए इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि 0 से जहाँ डिवाइड करते हैं आप वो आंसर इन्फिनिटी तक चल जाता है। उसके बाद आउटपुट बढ़ के 1 यूनिट हुआ, टोटल फिक्स कॉस्ट उतना ही है, 2 यूनिट हुआ, 3 यूनिट हुआ, 4 यूनिट हुआ, 5 यूनिट हुआ, आपका टोटल फिक्स कॉस्ट सेम है। तो ये सेम है तो इसमें हमको फायदा क्या दिख रहा है, देखिए आप एवरेज फिक्स कॉस्ट का ट्रेंड घटता हुआ जा रहा है, वो घटते हो जाएगा, है ना, शुरुआत में बहुत स्पीड से घटेगा, आगे जाने के बाद स्लो स्लो से घटेगा, धीरे धीरे घटेगा। ऐसा क्यों होता है, सिंपल रीजन है, आप यहाँ कर्व पे देख सकते हैं, देखिए है ना, यहाँ पे क्या है, एवरेज फिक्स कॉस्ट आपको कर्व दिख रहा होगा, कर्व दिख रहा है, देखिए आपको क्या हो रहा है, धीरे धीरे यहाँ पे घटते जा रहा है, शुरुआत में यहाँ पे 200 के करीब है, ठीक है, ये ऊपर होना चाहिए डॉट, यहाँ पे समझिए 200 है, फिर ये यहाँ पे नीचे होगा 100 पे, ये डॉट पे ध्यान मत दीजिए, है ना, ये डॉट है वो गलत जगह दिया हुआ है, आप खुद से अपना मार्क कीजिएगा कोऑर्डिनेट्स को, ओके। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट देखिए डाउन टू डाउनवर्ड जा रहा है, जिसे हम लोग एल शेप कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, उसका शेप क्या है, यू शेप्ड करता है, यू के जैसे जा रहा था ना, एक बार शुरुआत में ज्यादा था, एक पॉइंट पे मिनिमम हुआ, फिर ऊपर की ओर फिर बढ़ने लगा। और एफसी में क्या है, एल शेप में, घट रहा है तो घटते जाएगा, एक पॉइंट पे जाके थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा, है ना, एफसी, ओके, क्लियर है। एवरेज फिक्स कॉस्ट भी यहाँ पे आपको डाउनफॉल एल शेप में क्यों दिख रहा है, ये भी क्लियर हो गया ना, क्योंकि जितना आप आउटपुट प्रोडक्शन करते जाइएगा आपका टोटल फिक्स कॉस्ट तो कॉन्स्टेंट है, सेम है, तो आपका जो डिवाइड वाला फैक्टर है, जो हम लोग जिससे डिवाइड करते हैं, जिसे आउटपुट कर रहे हैं, वो तो इंक्रीज होता जा रहा है, तो डिवाइड जितना हम लोग इंक्रीज ज्यादा अमाउंट से डिवाइड करते जाएंगे हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट उतना कम आते जाएगा, ठीक है। इट मीन्स हम लोग क्या समझेंगे कि हमको जितना ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे 100% एफिशिएंसी से, हमारे जो इनपुट्स लगाए हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाए हैं, तो हमारा उतना ज्यादा फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट कम आएगा, है ना। और एक चीज ध्यान रखिएगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट इधर नहीं टच होगा, कभी भी कहीं नहीं टच होगा, ना ही एक्स एक्सिस में, ना ही वाई एक्सिस में। क्यों, क्योंकि कभी भी एवरेज फिक्स कॉस्ट 0 तो हो ही नहीं पाएगा। आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो सकता है, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन एवरेज फिक्स कॉस्ट तो कभी टच नहीं करेगा, ना ही एक्स एक्सिस को, ना ही वाई एक्सिस को। क्यों, क्योंकि आप प्रोडक्शन कीजिए या ना कीजिए, ये आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट तो लगना ही लगना है। और ये जो एल शेप के अलावा ना, कभी कभी रेक्टेंगुलर पराबोला बोलते हैं, तो हाइपरबोला, उस
सब उतना नहीं ध्यान देना है हमको, एल से बहुत ज्यादा इजी है, उस पर ध्यान रखना है ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब एवरेज कॉस्ट पढ़ेंगे, दोनों को मिक्स कर देना है, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जाएगा था हमारा। एवरेज कॉस्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डोले द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा यहाँ पे एवरेज कॉस्ट में क्या देख रहे हैं हम लोग अभी, है ना, दोनों को मिक्स कर देंगे। अकॉर्डिंग टू डोले द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज अ टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। इन अदर वर्ड्स एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। मतलब टोटल कॉस्ट जितना है और उसका पर यूनिट ऑफ आउटपुट जो हम लोग निकालते हैं वही हमारा एवरेज। सब जितना टाइप का खर्च है सब खर्च आता है 1,000 रुपया, तो 500 से इसको जब डिवाइड कर देंगे 1,000 रुपीज कॉस्ट को, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 रुपीज पर यूनिट आपका एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। क्या है और दूसरा फॉर्मूला क्या है, एफ सी प्लस ए बी सी भी कर सकते हैं हम लोग। अगर हमारे पास एवरेज फिक्स कॉस्ट पता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पता है, दोनों को मिला देंगे तो एवरेज कॉस्ट निकल जाएगा। ओके उसके बाद क्या है, हमारे पास एक टेबल है दिख रहा है आपको शेड्यूल, यहाँ पे क्या किए हैं हम जो एग्जाम्पल्स ले रहे हैं तब से पढ़ रहे हैं ना, उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू किए हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, देखिए आपका आउटपुट प्रकार से है, देखिए शुरुआत में तो इन्फिनिटी है क्योंकि हमें पता ही नहीं है आउटपुट हो ही नहीं रहा ना इसलिए। ओके फिर क्या हुआ, एक 140 आया, फिर देखिए घटना शुरू हुआ, फिर घट रहा है, फिर घट रहा है, फिर थोड़ा सा फिर घट रहा है ना हल्का सा, मतलब जो रेंज रेट है जो डिक्रीजिंग का रेट है वो क्या हो रहा है, पहले शुरुआत में स्पीड से डिक्रीज हुआ, फिर धीरे धीरे डाउनफॉल थोड़ा सा स्लो होने लगा, फिर क्या होगा हल्का सा अप की ओर जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रोडक्शन बढ़ेंगे ना तो क्या होगा अप की ओर जाएगा, वो सीधा का सीधा किस पे इफेक्ट किसके वजह से हो रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की वजह से है ना। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की वजह से ही इस प्रकार का नेचर आता है। देखिए एवरेज कॉस्ट का भी कर्व आपको दिख रहा है ना, यू शेप में ही एवरेज कॉस्ट का भी दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपको क्या दिख रहा था, इस प्रकार से दिख रहा था, इधर से डाउनफॉल होता था ना, इस प्रकार से होता था, और एवरेज कॉस्ट आपका आगे जाके टर्न ले रहा है, थोड़ा सा आगे ज्यादा दूर जाता है, फिर अपवर्ड की ओर शुरू होता है। मीन्स जो डाउनफॉल होता है वो बहुत स्पीड से नहीं होता, मतलब धीरे धीरे होता है डाउनफॉल, फिर और स्लो से आपका इंक्रीज होना शुरू होता है, ये हो गया आपका एवरेज कॉस्ट। तो अब ये जो यू शेप आपको दिख रहा है एवरेज कॉस्ट वो क्यों होता है, चलिए इसी को डिस्कस करने का कोशिश हम लोग। व्हाई द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप, दो बेसिस यहाँ पर दिख रहा है, एक है बेसिस ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि यही दोनों मिला के तो एवरेज कॉस्ट बना है। एवरेज कॉस्ट किससे बना है, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। और दूसरा क्या है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये क्या है पहले देखते हैं, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की वजह से क्यों यू शेप होता है। तो हम लोग क्या जान रहे हैं कि एवरेज कॉस्ट तो क्या है, दोनों का जोड़ है। एवरेज कॉस्ट क्या है, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये जान रहे हैं हम लोग, दोनों का जोड़ है यहाँ पे। तो क्या होता है कि एक हर एक आउटपुट इंक्रीज करते ही हमारा क्या होता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट धीरे धीरे घटते जाता है। ध्यान दीजिए है ना, दोनों घटता है, क्यों, क्योंकि आउटपुट जितना ज्यादा कीजिएगा आपको एवरेज पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट क्या है धीरे धीरे घटना शुरू होगा। आप देख चुके होंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी घट रहा था शुरुआत में, और एवरेज फिक्स कॉस्ट तो घटते ही रहता है हमेशा है ना, जब तक वो सेचुरेशन पॉइंट से आगे भी ना पहुंच जाए हमारा। फिर क्या होगा, एक मिनिमम पॉइंट पे क्या होता है, एक मिनिमम पॉइंट पे आके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है वो अप डाउन नहीं जाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रुक जाता है। जो हम लोग इसमें देखे थे 26.6, आप लोग है ना पीछे जाके देखिएगा, 26.6 पर यूनिट जो कॉस्ट आया था वो क्या है मिनिमम था, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वहां पे डाउनफॉल होना शुरू रुक जाएगा, लेकिन एवरेज कॉस्ट नहीं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट घटना शुरू हो जाता है, लेकिन जो एवरेज कॉस्ट है हम लोग क्या देखे वो उस पॉइंट पे नहीं घटता है,
क्योंकि क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो मिनिमम पॉइंट पहुंच गया है किससे पहले, एवरेज वेरिएबल एवरेज कॉस्ट से। अभी इसको कैसे समझाएं, यहाँ पे देखिएगा आप, हम लोग अभी अभी देख रहे थे ना एवरेज कॉस्ट का जो कर्व था, ये क्या है थोड़ा सा दूर में जाके आपका यू शेप लेता है, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले ही यू शेप ले, मतलब जल्दी से यू शेप लेता है। यही कहना चाह रहा है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बहुत जल्दी ही डाउन में पहुंच जाता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अपना मिनिमम पॉइंट पे बहुत जल्दी पहुंच जाता है, लेकिन जो एवरेज कॉस्ट है वो थोड़ा सा आगे जाकर टाइम लेता है, उसके बाद ही वो मिनिमम कॉस्ट में पहुंच जाता है। तो लेकिन हम कौन सा, किस कॉस्ट वाले, किस फैक्टर को, कौन सा मिनिमम फैक्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, फर्म के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा जो टोटल वाला एवरेज कॉस्ट है, मतलब फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट मिला के जो एवरेज कॉस्ट का जो मिनिमम पॉइंट है, वो फर्म के लिए, हमारे लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ओके, ये ऑप्टिमम पॉइंट है। इसके बाद क्या हो रहा है, एसी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, है ना, एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, तो एफसी और एबीसी के वजह से ही शुरुआत में घटते शुरू होता है, फिर मिनिमम में पहुंचता है, फिर ऊपर की ओर बढ़ना शुरू करता है, कौन, एवरेज कॉस्ट, किसके वजह से, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट के वजह से। और दूसरा क्या है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, है ना, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मतलब हिंदी में हम लोग कहते हैं परिवर्तनशील अनुपात का नियम, जो रेशियो है, जो अनुपात है वो चेंज होते रहता है। ये क्यों होता है, ये लोग क्या कहता है, पहले हम लोग वो समझते हैं कि जब क्वांटिटी है ना, एक वेरिएबल फैक्टर के वजह से जो क्वांटिटी चेंज हो रहा है वो अदर फैक्टर को फिक्स रखते हैं, तो टोटल आउटपुट तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन क्या होता है आपका आउटपुट जो है ओवरऑल आउटपुट डिक्रीज होना शुरू होता है। चलिए इसको थोड़ा सा और एग्जाम्पल, मतलब आगे डिस्कस करके समझते हैं कि जो वेरिएबल फैक्टर है लेबर, मान लीजिए एक वेरिएबल फैक्टर हम लोग जानते हैं ना, लेबर क्या है, वेरिएबल फैक्टर है, अगर वेरिएबल फैक्टर लेबर है उसको इंक्रीज कर रहे हैं इक्वल क्वांटिटी में, है ना, उसको इक्वल क्वांटिटी में इंक्रीज कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन कहाँ, प्रोडक्शन तक आउटपुट बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा, तब तक हमारा आउटपुट बढ़ेगा जब तक हमारा फिक्स फैक्टर, जब तक हमारा फिक्स फैक्टर मीन्स मशीन और बिल्डिंग ये सारा चीज फिक्स फैक्टर उसका मैक्सिमम कैपेसिटी तक यूज कर ले, मीन्स ध्यान से सुनिए, फिर से सुनिए, हम क्या करेंगे, हमको दोनों फैक्टर यूज करके चलना है, लेबर का भी और क्या कहते हैं मीन्स वेरिएबल फैक्टर भी और फिक्स फैक्टर भी, तो हम लोग क्या करेंगे, चेंज किसको कर सकते हैं, सिर्फ तो हम वेरिएबल को कर सकते हैं, लेबर को चेंज कर सकते हैं, जो फिक्स फैक्टर है वो तो फिक्स है, उसको तो चेंज नहीं कर सकते हैं, आउटपुट बढ़ाना है तो हम किसको बढ़ाते जाएंगे, लेबर को, मान जस्ट फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, सिर्फ लेबर लेके चलते हैं, लेबर को हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, जा 10 15 20 लेबर लगाते जा रहे हैं, तो फिक्स कॉस्ट भी तो यूज हो रहा है हमारा, प्रोडक्शन करेंगे तो दोनों मिला करेंगे, मशीनरी बिल्डिंग ये भी यूज होते जा रहा है, दोनों को यूज प्रोडक्शन करते जाएंगे, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, है ना, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे मशीन और बिल्डिंग का मैक्सिमम कैपेसिटी हम यूज कर चुके होंगे, मीन्स इससे ज्यादा आप मशीन और बिल्डिंग का यूज नहीं कर पाएंगे, तब मीन्स क्या हुआ कि उस प्रोपोर्शन तक, उस जगह तक आपका यहाँ पे जो एसी फिर से यहाँ पे पड़ रहे कर रहे हैं ना, जो आपका एसी था ऐसे डाउन हो रहा था इस पोर्शन तक, यहाँ तक आने में ये हो गया आपका मैक्सिमम यूज कर लिए आप किसका, फिक्स फैक्टर का, लेबर का तो नहीं कर पाया क्योंकि तो जितना आप इनपुट लाएगा उतना इस आउटपुट देते रहेगा, ओके, लेकिन लेबर किसके साथ काम कर रहा है, जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल फैक्टर फिक्स फैक्टर के साथ काम कर रहा है, अब फिक्स फैक्टर ही मैक्सिमम कैपेसिटी में पहुंच जाएगा तो वेरिएबल फैक्टर भी कुछ नहीं कर पाएगा उसके साथ, क्यों, क्योंकि दोनों मिला के तो प्रोडक्शन कर रहा है ना, ऐसी इसी इसी पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट क्या होता है, फॉल हो गया, डाउनफॉल होना शुरू हो गया, क्योंकि ये लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न तक काम करना शुरू किया था यहाँ से, देखिए यहाँ से हमारा कॉस्ट घटते जा रहा ना, हमारा हम फिर से रिपीट कर रहे ना, जहाँ पे कॉस्ट घटते जा रहा आपका, जहाँ तक घटते जा रहा वहां तक आपका कौन सा लॉ रहता है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न लगता है, ये उसके वजह से यहाँ पे घटते गया, उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे जो आउटपुट रिच हो गया उसके बाद बढ़ना शुरू हुआ, इस जगह के बाद से आपका एवरेज कॉस्ट बढ़ना शुरू हुआ, क्यों, क्योंकि आपका सिंपल वाइन है ये जो प्लांट है, जो फिक्स कॉस्ट है
फिक्स फैक्टर है, इसका औकात से ज्यादा प्रोडक्शन करना शुरू हो गया, इससे इसका लिमिट से ज्यादा हम लोग प्रोडक्शन उससे लेने लगे, तो क्या होगा, कॉस्ट ज्यादा लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो अच्छा से ऑपरेट नहीं कर पाएगा ना, जब ऑपरेट कर नहीं पाएगा तो हमारा कॉस्ट बढ़ने लगेगा। इसीलिए यू शेप कर्व होता है आपका एवरेज कॉस्ट, है ना। तो हम लोग समझ लिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, या किसके हेल्प से समझे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो हमारा वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर है उसका यूज किस प्रकार से हमारे फर्म में होता है उसके हेल्प से, और एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट किस प्रकार समझे कि एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट किस प्रकार से डिक्लाइन होना शुरू होता है उस हिसाब से, है ना। दोनों पढ़ लिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज का क्लास के लिए इतना ही, हम लोग आज एवरेज कॉस्ट का कॉन्सेप्ट ही देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्ट और तीनों के बीच रिलेशन क्या है, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के बीच में रिलेशन क्या है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।